नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के एक नए क्लास में। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे झारखंड की पत्र पत्रिकाओं के बारे में। दोस्तों पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक क्लास हो चुका है, उसी का ये दूसरा भाग है, तो पिछला वाला वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला पत्रिका है झारखंड की, वो है तितकी। दोस्तों तितकी नामक जो पत्रिका थी वो खोरठा भाषा की पत्रिका थी और इसका प्रकाशन 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो संपादक थे उनका नाम क्या था? B.N. ओहदार। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तितकी खोरठा भाषा की पत्रिका है और इसके जो संपादक थे B.N. ओहदार थे। इसके बाद अगली पत्रिका देखते हैं कौन सी है। दोस्तों अगली पत्रिका का नाम है नागपुरी महीनवारी कागज। नागपुरी महीनवारी कागज, इसका प्रकाशन कब शुरुआत हुई थी? इसकी प्रकाशन 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरुआत हुआ था और इसके जो संपादक थे योगेंद्रनाथ तिवारी। अगली पत्रिका का नाम है नागपुरी समाचार। दोस्तों नागपुरी समाचार नामक पत्रिका 1966 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और इसके जो संपादक का नाम था वो है लक्ष्मी नारायण। अगली पत्रिका है झारखंड समाचार। दोस्तों झारखंड समाचार 1968 ईस्वी से इसका प्रकाशन हो रहा है और इसके जो संपादक थे उस वक्त इग्नेश कुजूर। अगली पत्रिका का नाम है जय झारखंड। दोस्तों जय झारखंड नामक पत्रिका 1971 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी के नाम से ये जो प्रसिद्ध हैं, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ये डाल्टनगंज से इसका प्रकाशन होता था। अगली पत्रिका है छोटा नागपुर संदेश। छोटा नागपुर संदेश 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे भुवनेश्वर अनुज। अगली पत्रिका का नाम है शंखनाद। दोस्तों शंखनाद नामक पत्रिका सिमडेगा से प्रकाशित हुई थी 1977 ईस्वी में और इसके जो संपादक थे रामजीत सेनापति। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं अगली पत्रिका कौन सी है। अगली पत्रिका है संवाद। संवाद नामक पत्रिका 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके जो संपादक थे शिशिर कुमार लाल। अगली पत्रिका का नाम है जोहार। दोस्तों जोहार नामक जो पत्रिका थी वो त्रैमासिक थी, यानी कि 3 महीने में इसका प्रकाशन होता था और ये 1980 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और इसके जो संपादक थे दिलवर हंस। अगली पत्रिका का नाम है अगुआ। दोस्तों अगुआ नामक जो पत्रिका थी ये सादरी भाषा की पत्रिका थी और ये जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ प्रकाशित हुई थी। और कब हुई थी? 1981 ईस्वी में और इसके संपादक थे जय कुमार पाहन। अगली पत्रिका का नाम है कचनार। दोस्तों कचनार नामक पत्रिका जो थी वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके जो संपादक थे नंदूराम नंदीश। अगली पत्रिका का नाम है डहर। दोस्तों डहर नामक पत्रिका 1982 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे ईश्वरी प्रसाद। अगली पत्रिका का नाम है स्मारिका। दोस्तों स्मारिका नामक पत्रिका 1982 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे योगेंद्रनाथ तिवारी एवं राम कुमार तिवारी। अगली पत्रिका का नाम है पजरा। पजरा नामक जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ था और इसके जो संपादक थे लाला रणविजय नाथ शाहदेव। अगली पत्रिका का नाम है सूर्य प्रभात। दोस्तों सूर्य प्रभात नामक पत्रिका 1987 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे ललित कुमार कच्छप। अगली पत्रिका का नाम है कोयनार। दोस्तों कोयनार नामक पत्रिका 1992 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे राकेश रमन। अगली पत्रिका है संगम। संगम नामक पत्रिका 1992 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे राम कुमार तिवारी। अगली पत्रिका का नाम है जनहूल। दोस्तों जनहूल नामक पत्रिका 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे फैजल अनुराग। दोस्तों इसके अलावा और कुछ पत्रिकाएं हैं उसके बारे में भी देखते हैं। एक है आस्था नामक पत्रिका। दोस्तों आस्था नामक जो पत्रिका थी 1997 में इसके प्रकाशन हुआ था जमशेदपुर से। अगली पत्रिका है वर्तमान संदर्भ। वर्तमान संदर्भ 2001 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे संगीता आनंद और राम कुमार तिवारी।
अगली पत्रिका है हुल जोहार। हुल जोहार नामक पत्रिका 2002 से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे बीपी केसरी। तो दोस्तों ये थी झारखंड की पत्र पत्रिकाएं प्रमुख, जो प्रमुख रूप से प्रकाशित होती थी झारखंड से, उन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष तथा उसके संपादक का नाम यहाँ पर हमने चर्चा किया इस क्लास में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।